हाय गाइस, तो कैसे हैं आप। मैं दुर्गेश मिश्रा फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल दिल्ली नगर, जहाँ मैं आपको लेके चलने वाला हूँ फूड एडवेंचर। सो इसी तलाश में आज हम आ पहुँचे हैं जनकपुर। जी हाँ, जनकपुरी में केंद्रीय विद्यालय के सामने एक शॉप लगती है साउथ इंडियन की, साउथ इंडियन स्नैक्स की, देवी साउथ इंडियन स्नैक्स। ये शॉप यहाँ पर पिछले 25 सालों से, बेसिकली एक शॉप नहीं है बल्कि एक रेडी है जो यहाँ पिछले 25 सालों से रेडी लगा रही है। उन्होंने शुरुआत करी थी बहुत छोटी सी रेडी थी, लेकिन अभी थोड़ी बड़ी हो गई है। जिन्होंने भी इनका फूड ट्राई किया है वो यहाँ पर बार बार आते हैं। यहाँ का दाल वड़ा बहुत फेमस है और इन्होंने बहुत टाइप्स के डोसा इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। जो इनका सबसे फेमस डोसा है वो रवा डोसा है, जो बहुत लोग पसंद करते हैं। सो चलिए शॉप पे चलते हैं और ट्राई करते हैं इनके कुछ अमेजिंग स्नैक्स। लेट्स गो। तो हमारा पनीर डोसा रेडी है, तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। तो भैया आपकी शॉप पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है? हमारे पास यही कि बड़ा होता है, दाल बड़ा होता है, इडली होता है, अनियन होता है, उत्तपम है, बटर मसाला है, मैसूर मसाला है, घी रोस्ट है, इसके बाद क्या अनियन मिक्स उत्तपम है, सब आइटम बहुत टेस्टी बनाते हैं। भैया एक बार खा के कोई भी देखते हैं तो बहुत टेस्टी, सब सब आते हैं हमारे पास, बड़े बड़े आदमी दूर से आते हैं हमारे पास खाने। तो ये दाल वड़ा है, ये दाल वड़ा है, ये बड़ा है और ये इडली है। आप जो खा रहे हो पनीर मसाला डोसा है, बटर पनीर भी है हमारे पास, मसूर डोसा है, उसके बाद घी रोस्ट है, बटर मसाला बटर प्लेट है, कैप डोसा है हमारे पास, टोफू डोसा वो भी हमारे पास सब। पनीर डोसा में आपको प्याज डालना पड़ता है, टमाटर डालना पड़ता है, करी पत्ता डालना पड़ता है और हरी मिर्च डालना पड़ता है। सब मिक्स करके अच्छे से उनको मैश करके फिर डोसा बनाने के बाद उसको डाल के थोड़ी देर पकाना पड़ता है। पकने के बाद आलू के मसाला डाल के उनको रोल करके बढ़िया से तिकोना करके हम खिलाते हैं। और कितने सालों से आपकी दुकान?
25 साल हो गए हमारी दुकान पहले छोटा था, अब हम बड़े कर दिए। अच्छा, 25 सालों से आपकी दुकान, पहले दुकान छोटी थी, अब आप बड़ी बड़ी कर। हमारे हमारे पास बड़े बड़े आदमी खाली जाते हैं, बहुत दूर से आते हैं, यहाँ के नाम बड़े सुंदर थे, तो बड़े बड़े आदमी हमारे पास खाने। जो लोग आते हैं वो रेगुलर आते हैं हमारे डेली पास, जो आते हैं एक बार खाते हैं हमारे पास, कोई डेली आते हैं हमारे पास, और कहीं नहीं जाते, हमारे पास आते हैं। गाइस, जैसे कि आपने सुना है, हमेशा अपने डोसों को इस तरीके से बनाते हैं कि जो एक बार यहाँ पर आता है वो यहाँ बार बार आता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि यहाँ के डोसे बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से बनाए जाते हैं। जो हाइजीन फैक्टर है वो इनके लिए हमेशा मैटर करता है, और आपने देखा है कि मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं, हेयर मास्क लगा रखा है, तो हाइजीन यहाँ पर बहुत मैटर करता है। बहुत क्लीन तरीके से अपने डोसे को तैयार करते हैं। सो अगर आप कभी जनकपुरी आते हैं तो डू इट ट्राई वंस, केंद्रीय विद्यालय के सामने एक शॉप है, बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के डोसा, उत्तपम, इडली वड़ा, दाल वड़ा ये सर्व करते हैं। तो आप अगर कभी भी इधर आते हैं तो जरूर यहाँ पर आइए, ट्राई करिए, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको यहाँ के डोसे किस तरीके से अच्छे हैं। थैंक यू।